भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला 9 मार्च से खेला जाना है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला टीम इंडिया के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अगर भारतीय टीम अहमदाबाद टेस्ट मैच को अपने नाम कर लेती है तो वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आसानी से पहुंच जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले ही फाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुकी है। चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 पर भी फैंस की निगाहें टिकी हुई है। रोहित शर्मा के अलावा टॉप ऑर्डर का कोई भी बल्लेबाज उतना नहीं चल पाया है। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर्स को आजमाने की सोच सकते हैं। उधर गेंदबाजी में बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल का प्रदर्शन उम्मीदों के विपरीत रहा। अक्षर पटेल के प्लेइंग 11 में होने के चलते चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव को मौका नहीं मिल पा रहा है। कुलदीप यादव गेंदबाजी यूनिट में विविधता लाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाजों ने भी सीरीज की शुरुआत से पहले कुलदीप का सामना करने के लिए खास तौर पर प्रैक्टिस की थी। अब चौथे टेस्ट मैच में अगर कुलदीप को मौका मिलता है तो किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। 28 साल के कुलदीप यादव ने अपना आखिरी टेस्ट मैच पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में खेला था। उस मुकाबले में कुलदीप 8 विकेट चटकाकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, फिर भी उन्हें प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया था। कुलदीप ने जून 2017 में अपना टेस्ट मैच का डेब्यू किया था, लेकिन वह इन 6 सालों में सिर्फ 8 टेस्ट मैच ही खेल पाए हैं।